थी। कौन सी ईयर में आप लोग? थर्ड ईयर में दोनों, गुड। और आप भी थर्ड ईयर में? इतने मासूम से होते हो आप थर्ड ईयर में, है ना। अच्छा अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि आप लोग कब से काम कर रहे हो इसमें? कितने साल हो गए? सर 37 इयर्स हो गए हमें सिविल हॉस्पिटल में काम करते हुए। कितने? 37 इयर्स। 1979 में एस्टैब्लिश हुई थी पीडब्ल्यूए और तब से अब तक हम काम कर रहे हैं। बच्चे आप कब से काम कर रहे हो? सर हम लोग दो साल से काम कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर से काम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग दो साल से कर रहे हो। अच्छा ठीक है। और इसमें आपका ऑफिस कहाँ पे है? सिविल हॉस्पिटल के अंदर ही हमारा ऑफिस। हॉस्पिटल में या कॉलेज में? हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर है। तो आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स फिर चले जाते हैं हॉस्पिटल में और वहाँ जाके बैठते हैं? नहीं सर, वी हैव लाइक ऑफिस स्टाफ है हमारा वहाँ पे। ठीक है। जैसे जो लोग ऑफिस वाला काम मैनेज करते हैं वो लोग हैं, एंड देन हम वॉलंटियर्स वहाँ जाके वो सब उनको सुपरवाइज करते हैं, सारा मैनेज अच्छा। करते हैं, ये सब हमारा काम है। अच्छा। यस। और इसमें आप लोग ब्लड बैंक तो डेफिनेटली होगा। असल तो आपने स्टार्ट में खासा ब्लड बैंक से किया होगा। ड्रग बैंक से स्टार्ट किया था हमने। ड्रग बैंक से? जी। अच्छा, और ड्रग बैंक का क्या तरीका है फिर? आप उसमें डोनेशंस या फार्मास्यूटिकल कंपनीज कैसे? सर एक्चुअली ड्रग बैंक में जितनी भी दवाइयां हम देते हैं मरीजों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। हम कोई चार्ज नहीं करते किसी चीज़ के लिए, जितनी भी महंगी हो हमारी कोशिश होती है फ्री में दें। इसका प्रोसेस ये होता है कि हम खरीदते तो हम फार्मास्यूटिकल कंपनी से ही हैं, लेकिन जिन पैसों से खरीदते हैं वो डोनेशंस एंड ज़कात से ही आते हैं। तो जो लोग ज़कात देते हैं, एहतियात देते हैं, हम उनको ड्रग बैंक के अंदर यूज़ करते हैं, हम उनको ब्लड बैंक के अंदर यूज़ करते हैं। देन हमारा एक और डिपार्टमेंट है, अगर आपको पता होगा डेफिनेटली, थैलेसीमिया का हमारा डिपार्टमेंट है, थैलेसीमिया डे केयर सेंटर। सिविल हॉस्पिटल के अंदर कोई थैलेसीमिया डे केयर सेंटर मौजूद नहीं था, हमने उसकी नीड महसूस की, हमने उसे इस्टेब्लिश किया। तो अब तक हमारे पास अराउंड 270 पेशेंट्स थैलेसीमिया के रजिस्टर्ड हैं, जिनको हम ट्रीट भी कर रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं। उनकी कॉस्ट, जितनी भी मेडिकेशन का खर्चा होता है, उनके ट्रीटमेंट का खर्चा होता है, वो सब हम बेयर कर रहे हैं। एंड ये सब पॉसिबल होता है ज़कात एंड डोनेशन के थ्रू। तो हम थ्रू आउट द ईयर काम करते हैं इस चीज़ के लिए, डिफरेंट कैंपेन्स करते हैं, डिफरेंट एक्सपोज में जाते हैं, डिफरेंट शोज अटेंड करते हैं, खुद अपनी फैमिलीज़ को बताते हैं, जहाँ मौका मिलता है हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को फैसिलिटेट कर सकें। लेकिन आपका मेन चैलेंज जो है वो है ड्रग्स और ब्लड, है ना। ब्लड ब्लड बैंक आप लोग कर रहे हैं? जी है। तो ड्रग्स तो हो जाती हैं ईजीली या उस प्रॉब्लम होती है ड्रग्स जमा करने में? सर मैं आपका क्वेश्चन समझी नहीं, ड्रग्स किस तरह जमा करने में? लाइक हम ऑर्डर देते हैं डिफरेंट कंपनीज को, अप्रोच करते हैं, एंड देन जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम उनको उनसे मंगवा लेते हैं। एंड देन आपका अगर क्वेश्चन ये है कि हम उसका पैसे वगैरह किस तरह देते हैं, ये सब कॉस्टिंग वगैरह का, तो वो सब डोनेशंस के थ्रू होता है। एंड डेफिनेटली थ्रू आउट द ईयर चैलेंज रहता है ये बड़ा कि हम किस तरह से अपने बजट को देखते हुए अपनी फैसिलिटी को और इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि जितनी भी फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं वो उनका आप वो कह रहे हैं मैग्नीट्यूड कह लें, वो बहुत बड़ा है। शायद लोगों को पता नहीं है लेकिन सिविल के अंदर कोई और ब्लड बैंक मौजूद नहीं है। हम अगर खून दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं बग़ैर किसी पैसे के लिए, उस पर स्क्रीनिंग टेस्ट अगर हम करके दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी कॉस्ट को बेयर करना। और अभी हमने रिसेंटली अपनी स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया था, CLIA हम अब यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इस चीज़ को यूज़ कर रही हो, एंड इसकी वजह से हमारा एनुअल बजट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। बट भी हमने ये स्टेप इसलिए लिया ताकि हम स्क्रीनिंग की फैसिलिटी को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें और जो खून दें वो बग़ैर किसी बीमारी के आगे जाके इस्तेमाल हो, स्क्रीनिंग पूरी हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और जो मैंने ड्रग्स की बात की थी ना, वो मैं इसलिए कर रहा था कि एक तो मेरा ख्याल है एमरजेंसी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी मौजूद होती हैं ड्रग्स, जो कि आपकी एसोसिएशन का कोई ना कोई लिंक उनसे ज़रूर होता है कि एक एमरजेंसी में कोई ब्लड की ज़रूरत हो तो फिर आपके पास स्टोर में भी ब्लड होता है। ब्लड बैंक का मतलब यही होता है, वहाँ पे स्टोर में होता है। इमरजेंसी में तो हम बग़ैर किसी लाइक कुछ प्रोसेस होता है वैसे ब्लड इशू करने का, लेकिन इमरजेंसी में हम कोशिश करते हैं हमें वो सब ना करना पड़े, हम बग़ैर किसी उसके ब्लड दे दें आगे, क्योंकि पेशेंट को नीड होती है अर्जेंट। वैसे जो आते हैं लोग, हम लोग उनका प्रॉपर डेटा लेते हैं, प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं डोनर की, ये सब डेटा मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमें अपने प्रोसेस अपने एंड पे भी काम करना होता है इस चीज़ पे। और हमें ये मेक श्योर करना होता है जहाँ की खून रिक्वायरमेंट है वहीं पे जाए, बीच में सेलिंग वाला प्रोसेस ना हो, क्योंकि ये सेलिंग जो है ये कानूनन जुर्म है और जो लोग इसको कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से ये होता है हम फ्री ऑफ कॉस्ट दें ताकि लोगों को पैसे ना देने पड़े खून लेने के लिए।
कितने का एक खून बेचते थे वैसे लोग, जो प्रोफेशनल लोग, आपका वास्ता पड़ा कभी? सर PWA में तो अल्हम्दुलिल्लाह इट नेवर हैपेंड कि यहाँ से खून बेचा गया हो, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं लेकिन वैसे जो बेच रहे होते हैं खून अपना, वो कितने में बेच रहे होते हैं अंदाजा? सर मुझे इसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन ये इतना बता सकती हूँ मैं कि बाहर जैसे लैब्स में, बाहर जैसे ब्लड बैंक्स हैं, वहाँ जो खून मिलता है, क्योंकि वो लोग उसके ऊपर स्क्रीनिंग का प्रोसेस भी करते हैं, बैग भी देते हैं ये सर, तो उसके अराउंड 3,000-4,000 वो लेते हैं। अब प्रोफेशनल जो ब्लड सेलर्स होते हैं वो मे बी इससे ज़्यादा लेते होंगे, और वो नीड पे भी डिपेंड करता है कि किसी को अर्जेंट रिक्वायर्ड है, पता नहीं वो कितने पैसे मांगे और पेशेंट को कितने देने पड़े। ये आपका जो पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन और SMC या JPMC में जब ये ऑर्गेनाइजेशंस शुरू हुई, इन्होंने काम करना शुरू किया, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस वक्त। और मैं, आप सुन के हैरान होंगे कि जो खून बेचने वाले थे, यानी जो अपना खून बेचने पे तैयार थे लोग, वो अपना खून उस वक्त दिया करते थे 250 रुपये में। 250 रुपये में एक बोतल खून की वो देने को तैयार होते थे, और बीच में जो बंदा, वो क्या कहना चाहिए उसको, ब्रोकर होता था, वो रखता था 50 रुपये, और 50 रुपये रख लेता था तो जो खून देने वाला होता था उसके पास मेरा ख्याल है कि पहुँचते होंगे 175 रुपये ज़्यादातर उसमें, और वो वहीं खून के पैसे लेते थे और वहीं जाके वो उसकी हेरोइन या कोई नशा की दवा और वो सारा। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, और अब तो मेरे ख्याल से इतने साल गुजर गए और लोगों का वास्ता भी पड़ा हॉस्पिटल्स के साथ, कि ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब वो हेपेटाइटिस हो या वो बहुत सारी बीमारियाँ, वो कहते हैं यार कुछ नहीं, हमने पूरी जिंदगी में किया था, बस एक जगह से गलत खून लगवा लिया था। तो ये बहुत बहुत अहम बात है जो यहाँ पर ये बच्चे बयान कर रहे हैं कि आप खून कहाँ से ले रहे हैं, उसकी स्क्रीनिंग, यानी इसके लिए कोई बहुत पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ वो जो भी वहाँ पे मुतल्लिका डॉक्टर हैं या स्टूडेंट हैं या जो सीनियर हैं, उनसे कहें कि यार ये मुझे बता दो कि ये जो खून है ये कहाँ से आया है, ये अच्छा ये ब्लड बैंक से है, ठीक है, कैसे स्क्रीनिंग हुई है, और उसके बाद ये भी देख लें कि उसकी नीडल, उसकी जो इस्तेमाल, क्योंकि अस्पतालों में ये बहुत बड़ा मसला है, जो ख़ास तौर पे सरकारी अस्पताल हैं उनमें ये बहुत बड़ा मसला है कि उनका जो फुजला है ना, ऐसे होता है ना, उनका जो उनके जो इस्तेमाल शुदा ड्रिप्स हैं, इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन्स हैं, इस्तेमाल शुदा सरिंजे हैं, उनका भी करोड़ों रुपये का ठेका होता है, करोड़ों रुपये में वो बिकता है, और वो पूरी उसमें ये जो बच्चे ये स्टूडेंट्स ये डॉक्टर्स ये तो अपना पूरा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन जो सोसाइटी है ना, एक ऐसी सोसाइटी है, एक ऐसा माशरा है जो इनके खिलाफ भी खड़ा है सामने, जो ये कह रहे होते हैं कि साफ ब्लड ले लें, तो वो दूसरा कह रहे होते हैं अच्छा यार ये तो देखे ना ये ब्लड है ये है फला, तो वो जो हस्पतालों की खाली बोतलें हैं, वो खाली बोतलें, खाली इंजेक्शन, खाली वो जो ड्रिपें इस्तेमाल की हुई, वो फिर चली जाती हैं और वो जाके पूरा का पूरा जो फुजला होता है वो जाके बिक जाता है, उसमें फिर दवाइयाँ भर देते हैं जाली लोग सारी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन तो एक ऐसी एसोसिएशन है जो मेरा ख्याल से बहुत बड़े हस्पताल को कराची के जहाँ, और अल्लाह ना करे किसी भी वक्त, यानी हम लोग कहते हैं यार छोड़ दो क्या यार हस्पताल, ये वो जगह होती हैं, चाहे वो ईदी ट्रस्ट हो, चाहे SIUT हो, चाहे वो जिना हॉस्पिटल हो, चाहे सिवल हॉस्पिटल हो, चाहिए जहाँ किसी भी शख्स को किसी भी वक्त आपके किसी प्यारे को, आपको खुद को अचानक पता चला कि उसकी जेब में 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये और उसको हस्पताल जो है खुदा ना खासा को ऐसी घड़ी आ गई कि वहाँ जाना पड़ गया। तो बहुत ज़रूरी है कि इस किस्म की तंजीमें जो वहाँ पे बच्चे चला रहे हैं, और ये बड़ी इनका ऑडिट बड़ा ज़बरदस्त होता है, यानी ये वो बच्चे नहीं है जो जमा किया और इधर उधर, ये वो हैं जो दिल के साथ काम कर रहे होते हैं, और इनकी कोई प्रॉपर NGOs नहीं है कि जी ये कोई बहुत कोई 5-star होटलों में बैठ के सेमिनार करवा रहे हो, ये छोटे छोटे दफ्तरों में हॉस्पिटल्स में बेड्स के पास जा जाके मरीजों की केयर कर रहे होते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि आप इनको इनके साथ तआवुन भी करें, और जो भी कुछ मुमकिन हो वो आप इनकी मदद करें। मैंने आपकी तरफ से दुरुस्त कर दी बात, अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, बहुत कामयाबियां दे ज़िंदगी में, और
डॉक्टर्स तो सभी बन जाते हैं, आगे जाहिर आप लोग भी थर्ड ईयर में आ गए माशाल्लाह, तो आगे भी चले जाएंगे, लेकिन अपने दिल में इस जज्बे को ज़रूर रखिएगा, जो जज्बा आप ये पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जैसी तंजीमों के साथ रह के इसको आगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी रखिएगा, और जब बहुत ज़्यादा फीसें आपकी बढ़ जाएँ इंशाल्लाह फ्यूचर में, तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आपने इन सब तंजीमों की हेल्प करनी है, ठीक है। बहुत सी दुआएँ आपके लिए।